नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश एशिया का किंग कौन। निश्चित तौर पे एशिया का किंग तो एक ही बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हर बार एक के बाद एक बैटल जो है जीत रहा है, और हमें पूरा यकीन है कि वो जो आखिरी जंग भी है वो हम ही जीतेंगे। हिंदुस्तानी बनेगा एशिया का किंग, इसमें कोई शक नहीं है। और आखिरी ड्रेस रिहर्सल, भाई ड्रेस रिहर्सल भी जरूरी है फाइनल से पहले, क्यों हमेशा ड्रेस रिहर्सल करते हैं, जिससे कि आपके आखिरी जो फाइनल मुकाबला होता है, आखिरी जो फाइनल पेशकश होती है पेशकश, उसमें कोई गड़बड़ ना हो, कोई ऐसा हिकअप ना हो। तो चेतन जी हमारे साथ पहुंच चुके हैं, हम बात करेंगे। आज बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला है, हालांकि इस मुकाबले का कोई मतलब नहीं है, टीम इंडिया पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। चेतन जी, टीम इंडिया एक बड़ी ही हैप्पी सिचुएशन में, बड़ी खुश सिचुएशन में है, और इस मुकाबले के कुछ खास मायने नहीं है। तो इस मुकाबले को कैसे अप्रोच आप करना चाहेंगे, किस तरीके से इस मैच को आप देखते हैं, क्या पाना चाहेंगे इस मैच से फाइनल से पहले, जो कि परसों ही खेला जाना है? समीप, सबसे बड़ी बात आपके सामने ये है कि आप अपने उन प्लेयर्स को मौका दें जिन आपको लगता है कि ये प्लेयर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वर्ल्ड कप के अंदर, और इनको मैच टाइम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास मैचेस बहुत कम है। अगर आप बात करें उसके बाद 3 ऑस्ट्रेलिया के मैचेस, 2 वार्म अप मैचेस, 2 वार्म अप मैचेस में तो बेसिकली वही टीम खेलती है जो आपको पहले मैच में खिलानी होती है, तो 3 मैचेस आपके पास बच गए। तो आप उन प्लेयर्स को मौका दें, इससे बढ़िया जगह नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर कुछ आपको गंवाने के लिए। लेकिन साथ साथ आपको ये सोचना होगा कि आपको मैच हारना नहीं है, क्योंकि मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान इंडिया से इतनी बुरी तरह हारा, उसके बाद हालत देख लो, ऐसा लग रहा है पाकिस्तान की टीम नहीं है। बिल्कुल, एक बड़ी हार से बहुत फर्क पड़ जाता है टीम को। बिल्कुल, और इसमें कहीं ना कहीं भारत को भी सबक लेना पड़ेगा कि कैसे एक टूर्नामेंट में आपको लगातार टॉप गियर में रहना होगा। वर्ल्ड कप आ रहा है, 9 मैचेस हैं, और हो सकता है कि आप मैच एक हार जाए उसमें राउंड रॉबिन लीग में, और बड़ी हार हो जाए, लेकिन बिखरना नहीं है। ये टीम इंडिया के लिए सबक है जो पाकिस्तान को देखकर यहां पर सीखना चाहिए टीम इंडिया को, कि कैसे टीम एकजुट में रहे और टॉप गियर में रहे, जैसे कि टीम इंडिया अभी नजर आ रही है। फिलहाल आपको बता दें, थोड़ा सा मौसम का अपडेट दे देता हूं, और यह है कि मौसम 3 बजे से बता रहे हैं कि बारिश की आशंका है, जिसकी वजह से हो सकता है कि शुरुआत थोड़ी सी देर से हो, लेकिन टॉस में कोई खलल नहीं पड़ रही है, टॉस सही समय पर होगा। और रोहित शर्मा को रेस्ट नहीं दिया जा रहा है, और रेस्ट की बहुत बात हो रही थी कि ना जाने किस किस को रेस्ट दे दिया। और आपको मैं बता दूं यहां पर चेतन जी की यहां पर राय लूंगा, टॉस जो है टीम इंडिया ने जीत लिया है इस आखिरी सुपर 4 के मुकाबले में, जहां पर जीत का चौका लगाना है। और टॉस जीतकर पहले चेतन जी गेस कीजिए क्या है, क्योंकि आपने देखा नहीं, गेस कीजिए। बल्लेबाजी नहीं, गेंदबाजी। गेंदबाजी पिक किए, बताइए क्यों, क्या? बरसात को मद्देनजर रखते हुए डकवर्थ लुईस, डकवर्थ लुईस उसको, क्योंकि देखिए आपको हारना नहीं है ये मैच जी, मतलब आपको ये जीतना है। मैं देखना चाहूंगा कितने बदलाव किए हैं भारतीय टीम ने। शमी 100% खेल रहे होंगे, ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है, शमी 100% खेल रहे होंगे, बुमराह के स्थान पर खेल रहे होंगे। क्या शिराज को रेस्ट दिया है, हार्दिक पांड्या को रेस्ट दिया है, ये 3, मतलब मुझे शिराज का रेस्ट तो बनता नहीं है। आप माइट भी अगर हो तो लोड मैनेज आ गई है, मैं बता दूं, आप अपनी बात पूरी कर, हार्दिक को हो सकता रेस्ट। अच्छा, तो टीम मेरे पास यहां पर मुझे लगता है कि आ गई है, और श्रेयस अय्यर को नहीं खिला रहे। टीम आपको बता देता हूं, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा डेब्यू कर रहे हैं, तिलक वर्मा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, खब्बू बल्लेबाज आज डेब्यू कर रहे हैं, विराट कोहली का नाम मुझे नहीं नजर आ रहा है, विराट कोहली रेस्टेड, विराट कोहली को रेस्ट दिया गया, जिस बारे में हम इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पे बात कर रहे थे। फिर से नाम बताता हूं शुरुआत से, बिना कोई बीच में ब्रेक लिए, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, केएल राहुल, ईशान किशन। डर ये लग रहा था कि क्या तिलक वर्मा या कोई सूर्य कुमार आएंगे तो ईशान किशन को बाहर किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, आपका गेस बिल्कुल सही, शमी टीम में, और इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा भी टीम में है, प्रसिद्ध कृष्णा, यहाँ पर बुमराह, सिराज, सबको आराम दे दिया गया है। और आप जब इंडिया टीवी क्रिकेट में बात कर रहे थे, आप ये कह रहे थे कि शायद प्रसिद्ध कृष्णा को इस वक्त खिलाने की जरूरत नहीं है, सिराज को मत छेड़ो, लेकिन काफी ज्यादा छेड़छाड़ हुई है यहाँ पर, करीब 4-5 बदलाव दिख रहे हैं। चेतन जी, बल्लेबाजी में कौन कौन गया? रोहित शर्मा, शुभमन गिल ओपनर जी, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा डेब्यू, ये दो खेल रहे हैं तो दो कौन गए बाहर? एक तो विराट गए, विराट गए, और आपके हार्दिक पांड्या भी नहीं है, हार्दिक पांड्या नहीं है जी, और रविंद्र जडेजा नहीं, रविंद्र जडेजा है टीम में, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल आपके हैं, कुलदीप यादव को रेस्ट दिया गया है यहाँ पर, कुलदीप यादव भी रेस्टेड है, कुलदीप यादव जी, कुलदीप यादव भी रेस्टेड है। तो ये आपकी टीम है, दोबारा मैं बता दूं क्योंकि बीच में बड़ी बातचीत कर ली हमने, फटाफट एक बार फिर आपको मैं टीम बता देता हूं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि टीम क्या खेल रही है। टीम है रोहित शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा,
केएल राहुल, ईशान किशन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, प्रसिद्ध कृष्णा। रेस्टेड प्लेयर हैं हार्दिक पांड्या, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली। श्रेयस अय्यर के बारे में ये अपडेट आ रहा है बीसीसीआई से कि इंप्रूवमेंट है लेकिन पूरी तरीके से मैच फिट वो नहीं है। तो लेकिन ये जो बदलाव किए गए चेतन जी, एक बात हमें ये पता है कि आप कुछ भी कर लो, आप बदलाव करना है, प्रयोग करना है, कुछ भी कर लो, लेकिन आप अपने जीते हुए रिदम को ना तोड़ो। तो आपको लगता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो गया, जरूरत से ज्यादा कर दिया थोड़ा सा? मुझे लगता है ज्यादा कर दिया। मतलब मेरा ये सोच है कि जो प्लेयर 15 में नहीं है वर्ल्ड कप के, अनलेस की कोई इंजरी आएगी, वो 15 में तब टीम के अंदर आएंगे, उनको मतलब मौका देने का। आप तिलक वर्मा का मैं सोच सकता हूँ क्योंकि श्रेयस अय्यर कहीं ना कहीं थोड़ा वनरेबल चल रहे हैं, कहीं ना कहीं समस्या लग रही है। अय्यर का लगता है मुझे थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया वर्ल्ड कप से पहले तिलक वर्मा को खिलाना। हाँ, और प्रसिद्ध कृष्णा को जो मौका दिया है वो हो सकता था मेरे अकॉर्डिंग कि आप शिराज के साथ चले जाएं, बट वो शिराज को भी रेस्ट देना चाहते हैं, तो इसलिए 17 में है तो इसलिए उनको खिला लिया गया। तो लेट्स होप, देखिए प्रसिद्ध कृष्णा भी एज गुड एज एनीबडी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शमी आपके साथ है, शार्दुल वापस आ गए हैं, देन आपके स्पिनर्स हैं वही अपना अक्षर है, जडेजा, और कौन गेंदबाज है, एक गेंदबाज और होगा जी ना। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ये मैच जीते। गेंदबाज आपके हैं रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल, मोहम्मद शमी और प्रसिद्ध कृष्णा। पांच गेंदबाज जी, पांच के साथ खेल रहे हैं जी। हाँ, एक्स्ट्रा बैट्समैन आ गया ना सूर्य कुमार यादव ने, तो आप पांच गेंदबाजों के साथ खेल रहे हैं, तो यहाँ पर गेंदबाजों के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर आएगा। और जैसे प्रसिद्ध कृष्णा बहुत समय के बाद खेल रहे हैं, हालांकि वहाँ आयरलैंड में खेले थे, वो T20 था, यहाँ आपको पूरे ओवर्स डालने, उनकी भी फिटनेस टेस्ट हो जाएगी, बट मुझे अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं एक गेंदबाज कम के साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल, तो एक बार फिर आपको बड़ी खबर में बता दूं जो कि श्रीलंका के कोलंबो से आ रही है। बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया ने लगभग 5 बदलाव किए हैं और इसके अलावा खब्बू बल्लेबाज तिलक वर्मा डेब्यू करते हुए नजर आएंगे, जो कि एक अच्छी खबर है। बहुत ही सुपर टैलेंटेड खिलाड़ी है, इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से इसको देखते हैं। और सूर्य कुमार यादव, जिनका वनडे करियर बिल्कुल मुझे लग रहा था कि शायद अब डगमगा रहा है, अब इनको मौका मिलना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन सूर्य कुमार यादव को एक और मौका मिला है अपने वनडे करियर को संवारने का, क्योंकि अब तक वो T20 के ही स्टार माने जा रहे हैं, T20 के नंबर एक बल्लेबाज है दुनिया के, लेकिन वनडे उनके समझ से कहीं दूर नजर आ रही थी, समझ नहीं आ रही थी। तो किस तरीके से आप यहां पर देखते हैं तिलक वर्मा के इंक्लूजन को? तिलक वर्मा एक बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है और मुझे लग रहा था कि शायद 2027 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए तैयार होंगे, लेकिन वो इसी वर्ल्ड कप के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। आप खिला रहे हैं उनको? देखिए, क्योंकि श्रेयस अय्यर का समझ नहीं आ रहा ना किसी को, देखिए अंदर की बात क्या है वो हमें भी नहीं मालूम। तिलक वर्मा को कैसे रेट करते हैं? सुपर्ब, सुपर्ब जी, और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है और उनको मौका मिल रहा है, उनको कोई टेंशन नहीं है, बहुत बड़े प्लेयर हैं, अपने आप जाकर परफॉर्म करेंगे। लेकिन देखिए, उनको इसलिए ज़्यादा पुश किया जा रहा है क्योंकि नहीं समझ आ रहा मैनेजमेंट को कि श्रेयस अय्यर कहाँ पर ख़त्म करेंगे, कि ये इंजरी कितनी संगीन है, कितना कितना प्रॉब्लम ला सकती है, फिट होंगे नहीं होंगे। तो जब असमंजस की स्थिति हो ना, तो आप मेन प्लेयर्स के सामने तैयार करते हैं। बिल्कुल, एक रिपोर्ट की तरफ भी चलेंगे कि क्या तैयारियां हैं, क्या पाना है इस मैच में, लेकिन उससे पहले एक आखिरी सवाल यहां पर रिपोर्ट से पहले। सूर्य कुमार यादव, आपको लग रहा है कि वनडे में सेटल हो पाएंगे? जिस तरीके से स्ट्रगल वो वनडे में करते हुए नजर आए अभी तक, 50 ओवर ऐसा लग रहा है समझ में नहीं आ रहा सूर्य कुमार यादव। नहीं, लॉन्गर रन नहीं मिला सूर्य को। देखिए, मैं हर समय कहता हूं कि थोड़ा 3-4 मैचेस तो इकट्ठे दीजिए ना, एक मैच खेलते हैं, तीन मैच खेलते हैं, तीन दिए थे लगातार, तीन में उसमें बल्लेबाजी नहीं आई होगी। नहीं, गोल्डन डक हो गया ना उनके, 3-0 लग गए थे उनके। ठीक है, वो मैं भूल गया। तो आपको थोड़ा लॉन्गर रन देना पड़ेगा, बहुत बड़े प्लेयर हैं, कोई इसमें मतलब मुझे कोई दूसरा राय नहीं है, लेकिन एक लॉन्गर रन मिलेगा तो बेटर प्लेयर है जी। हाँ, तो चलिए एक बार फुल स्क्रीन आपको दिखाता हूँ कि आज की खेलने वाली वो 11 क्या है, जिसमें आज विराट कोहली को भी रेस्ट दिया गया है। चेतन जी, इस बीच मैं टीम दिखा रहा हूँ, आप बताइए विराट कोहली को रेस्ट? आज तो वो 48वां शतक मारने के लिए उनकी हथेलियों में खुजली हो रही होगी। आप ही कह रहे थे और मैंने आपको कहा था कि विराट कोहली को रेस्ट देंगे। हाँ, विराट कोहली, लेकिन मुझे ये था कि बुमराह और शिराज में से एक जरूर खेलना चाहिए। बिल्कुल, विराट कोहली को रेस्ट हो सकता, मुझे लगा ईशान किशन को रेस्ट दे सकते, ये मेरी सोच थी। मुझे कुलदीप यादव का अंदेशा नहीं था कि कुलदीप यादव अच्छी गेंद कर रहे हैं, करते रहना चाहिए, गेंदबाज को नहीं हटाना चाहिए, मतलब ये मेरी सोच है कि, और स्पेशली कुलदीप यादव जैसा गेंदबाज, वो जितना ज़्यादा गेंद करेंगे ना वो उतना निखरते चले जाएंगे, उनको ब्रेक देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ठीक है, आपने शिराज की जगह प्रसिद्ध के ऊपर भरोसा किया, बट यहाँ पर कुलदीप यादव का होना बहुत ज़रूरी था। कुलदीप यादव को भी रेस्ट दिया गया है, और कहीं ना कहीं क्योंकि एक दिन के अंतराल में, एक दिन के गैप के बाद आपको फाइनल मुकाबला भी खेलना है, और आपको मालूम है इस मैच के
रिजल्ट की अहमियत तो बहुत है, लेकिन इस मैच के रिजल्ट से आपके फाइनल में पहुंचने या ना पहुंचने पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, इसलिए बदलाव किए। चलिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि इस मैच में टीम इंडिया की क्या तैयारी है, कौन से ऐसे बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं जिन पर नजर रखनी होगी, और हर हाल में एक मकसद है, चाहे बदलाव करो, प्रयोग करो, चाहे कुछ करो, मकसद एक ही है, जीत जीत और जीत। ये तैयारी फाइनल रिहर्सल की है, ये तैयारी एशिया कप का खिताब जीतने की है। इस तैयारी में रोहित, विराट, गिल और बुमराह की मेहनत छिपी हुई है। सुपर फोर के छठे मुकाबले में भारत बांग्लादेश के बीच थोड़ी देर में टक्कर होने वाली है। भारतीय क्रिकेट टीम पहले ही फाइनल का टिकट कटा चुकी है। टीम इंडिया इस मुकाबले को फाइनल की रिहर्सल के तौर पर खेलेगी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम फाइनल की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है और वो दमदार प्रदर्शन के साथ अपनी विदाई चाहेगी। पाकिस्तान और श्रीलंका का सफाया करने के बाद रोहित एंड कंपनी की नजरें बांग्लादेश को रौंदने पर होंगी। एशिया कप में अगर दोनों टीमों की बात करें तो 14 बार इनके बीच भिड़ंत हो चुकी है, जिसमें 13 बार भारत जबकि एक बार बांग्लादेश जीता है। अगर पिछले 5 वनडे मुकाबलों की बात करें तो बांग्लादेश ने 2 जबकि भारतीय टीम ने 3 मैच अपने नाम किए हैं। बांग्लादेश की टीम उलटफेर करने में माहिर है, ऐसे में टीम इंडिया मैच के दौरान कोई चूक नहीं करना चाहेगी। भारत के गेंदबाजी कोच पारस ने संकेत दे दिए हैं कि टीम इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ कोई गलती नहीं करेगी। बात अगर टीम इंडिया की बल्लेबाजी की करें तो रोहित, गिल और विराट शानदार फॉर्म में हैं। मिडिल ऑर्डर में केएल राहुल, हार्दिक और जडेजा मजबूती दे रहे हैं। गेंदबाजी में बुमराह, सिराज ने कहर बरपा रखा है, तो वहीं स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव कमाल कर रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम का यह फाइनल से पहले का ड्रेस रिहर्सल है। इस मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया शान से फाइनल में श्रीलंका को करारा जवाब देगी। ड्रेस रिहर्सल की तैयारी हो गई है, मुकाबला होने वाला है आपसे कुछ देर बाद, जहां पर टॉस जीता है हमारे कप्तान हिटमैन ने और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। गेंदबाजी में काफी बदलाव है, आज मोहम्मद शमी और प्रसिद्ध कृष्णा जो है आक्रमण संभालेंगे, लेकिन जो बल्लेबाजी क्रम है ना उस पर बातचीत अभी हुई नहीं है, उस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। 3 नंबर कौन, 4 नंबर कौन, 5 नंबर कौन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, यहां पर ईशान किशन को बाहर नहीं किया गया है, ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस बेचारे के साथ कितना भी अच्छा खेल ले जब प्लेयर कोई आता है तो सबसे पहले इसी की बलि चढ़ती है। तो यहां पर बैटिंग ऑर्डर टीम इंडिया का क्या होने वाला है, 3 नंबर पर कौन होगा, 4 नंबर पर कौन होगा, विराट की जगह कौन आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, छोटे से ब्रेक के बाद आपको मिलेंगे। और इसके अलावा आपको ब्रेक में जाते जाते ये भी बता दूं कि हम इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पे भी आते हैं और आपकी बातचीत होती है सीधे, डायरेक्ट लाइन हॉटलाइन जो है चेतन जी से जुड़ जाती है वहां पर, और चेतन जी आपके सवालों का, आपके बातों का, आपके साथ बातचीत करते हैं, बहुत मजा आता है। मिड इनिंग्स में अब आपको मिलेंगे इंडिया टीवी क्रिकेट में और क्लोज अप प्ले में भी मिलेंगे। फिलहाल मिलेंगे इस ब्रेक के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद।